प्रदेश की योगी सरकार लॉकडाउन में घर बैठे ही दिहाड़ी मजदूरों को 1,000 रुपए उपलब्ध करवा रही है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि नगर निगम, नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पटरी व्यवसायी, नाई, हलवाई, धोबी सहित अन्य छोटे दुकानदारों तथा दिहाड़ी मजदूर जो कि घर बैठे हुए हैं तथा उनके पास कोई रोजगार नहीं है, ऐसे शहर में रहने वाले लोग, नगर निगम तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग डीपीआरओ से संपर्क करके अपना नाम, पता तथा अकाउंट नंबर को जमा करवा दें। उन्होंने बताया कि जमा डेटा को ऑनलाइन किया जाएगा तथा डेटा की जांच करके राज्य सरकार के द्वारा 1,000 रुपए अकाउंट में जमा किया जाएगा। एडीएम फाइनेंस ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि पात्र व्यक्ति अपना डाटा संबंधित कार्यालय में जमा कर दे, जिससे उसे शासन की योजनाओं का लाभ दिया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस बोल रहा हूँ। राज्य सरकार के द्वारा नगर निगम क्षेत्र में, नगर पंचायत क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे ऐसे गरीब लोग जो रेहड़ी पटरी, खोखा, नाई की दुकान पर काम करने वाले लोग, मिठाई की दुकान पर काम करने वाले लोग, धोबी की दुकान पर काम करने वाले लोग, पल्लेदार अर्थात जो दिहाड़ी मजदूर हैं या जो मासिक वेतन पे भी हैं और इस समय वो घर पे बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, ऐसे सभी लोग, ग्रामीण क्षेत्र में इसकी जिम्मेदारी डीपीआरओ को दी गई है, नगर क्षेत्र में नगर पंचायतों को दी गई है और नगर निगम को दी गई है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने अपने क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र के आप रहने वाले हैं, वहाँ पर जैसे नगर निगम है तो आप नगर निगम से संपर्क कर लें, नगर पंचायत है तो नगर पंचायत से संपर्क करें, ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत अधिकारी से संपर्क करके अपना विवरण, मतलब अपना अकाउंट नंबर, अपना आधार उपलब्ध करा दें। कल से ये एक महाअभियान है, आपका डेटा ऑनलाइन फीड किया जाएगा और आपके डेटा के सत्यापन के उपरांत आपके खाते में राज्य सरकार के माध्यम से 1,000 रुपये डाला जाएगा। मेरा अनुरोध है कि आप के साथ सरकार खड़ी है, आप अपना विवरण अपने संबंधित को उपलब्ध करा दें। धन्यवाद।